नमस्कार साप्ताहिक दृश्यभित्तिक साहित्य पत्रिका लिटरेचर टाइम को आपको स्वागत करुच्छे मुझे शुभ्रांशु पंडा फकीर मोहन सेनापति ओडिया साहित्य जगतर कथा सम्राट व्यासकवि फकीर मोहन जानुरी 14 तारीख फकीर मोहन 169वां जन्मदिवस आ खास से प्रस्तुत आम स्वतंत्र अध्याय ते डेरी कहीं चलत आरंभ करवा आज लिटरेचर टाइम फकीर मोहन सेनापति जीवदशार लिखिं मोट 21 गल्प प्रति गल्प ओडिया कथा साहित्यर गोटे गोटे मास्टरपीस सबुथे रही ओडिया जनजीवन निच्छक प्रतिछवि आज आम सेमती गोटे गल्प आपको भेटदेवु डाक मुंशी कटक सदर पोस्ट ऑफिस हेडपियन हरि सिंह और पुओ गोपाल कहानी डाक मुंशी हरि सिंह सरकारी कर्म बाहला दिनठ मफसल सान बड़ अनेक पोस्ट ऑफिस की बदली हुई कर्म इंजाम कर आज को 10 वर्ष है कटक सदर पोस्ट ऑफिस रे कर्म करम कर प्रमोशन पाइले हेड पियन मासक दरमा 9 टंका घरे स्त्री आउ 8 वर्षर पु गोपाल कटक 5 टंकार बहुत कष्ट चली 4 टंका घर को न पठेले न हुए गोपाल अपर प्राइमरी स्कूल रे पढ़े स्कूल दरमा दियोना स्कूल दरमा छड़ा बेले बेले बही स्लेट कागज भी उपरी खर्च पड़ जाए बुढ़ा को बहुत कष्ट हुए दिने दिने उपास रहिबा हुए उपास हो पछे मो गोपाल टी पढ़ू हरि सिंह को है 55 वर्ष अवसर नेबार वयस एवं तर चिंता पुओ गोपाल केमी पढ़ पाठ शेषे पोस्टमास्टर कृपा बढ़ला चाकरी काल खुशी हेले हरि सिंह हेले सेपटे दाऊ सीधा विधाता अकाल चलीगले हरि सिंह रोगिणा स्त्री पुओ गोपाल को पाखक नहीं आसे सहर से पढ़ला गोपाल गोपाल एवं माइनर पढ़े बुढ़ा भारी कष्ट पेंशन हो गला भारी अचल घर कंसा बासन बिकि गुजराण मेटाऊँ गोपाल पढ़ारे सब पैसा खर्च हो गला बुढ़ा प्रबल आशा गोपाल पाठ पढ़ी चाकरी कले सब कष्ट मेटी जीव गोपाल कहे बापा पैसा धार उधार कर मत पढ़ाओ मु चाकरी कर सुझी शेषे सतहला हरि सिंह स्वप्न पुओ गोपाल पाठ पढ़ी चाकरी कला हैला पोस्टमास्टर आउ हरि सिंह हेले डाक मुंशी गोपाल बाबू को बापा हरि सिंह कर आनंदर सीमा ना अनवरत ठाकुर को मुंडिया मारी कहू था प्रभु प्रभु सब तुमरी करुणा दुखर दुखी बुझल आज बुढ़ी थे केते खुशी था गोपाल चाकरी पाई अभागीटा चली गला कितने आनंद होता हो गोपाल तो हाकिम है प्रभु गोपाल मंगल कर प्रभु गोपाल मंगल कर गोपाल प्रथम दरमा पाई बुढ़ा हाथ में आनीदेला बुढ़ा आनंद कहले न सरे पुआ हाकिम एत गुड़े टंका मासक आनीदेला दिनकू दिन बुढ़ा बाबा प्रति घृणा बढ़ुला गोपाल से दिन किसी शिक्षित स्त्रीलोक आसते तार बसाक और से आगे खाली देहर चलीगला हरि सिंह यहाँ बेस बाधि बाबू गोपाल आपर से चिंता कला निज बसारू बापा को तड़ीदेव देख तुम्हें मोर किसी उपकार कर इच्छा हेले बसार रह ना चली जाओ आख बाबू मैंने आम दुआर को आसिले तुम्हें घर बाहर दिनकू दिन बाप उपर बढ़ुला पुओ गोपाल अत्याचार
ସଦର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କିଛିଦିନ କାମ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବଦଳି ଆସିଲା ମଫସଲକୁ, ଆଉ ଜିନିଷପତ୍ର ବୋହିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପଡ଼ିଲା ବୁଢ଼ା ହରି ସିଂ ଉପରେ। ଏ ବାବା, ମୁଁ ମଫସଲ ବାହାରିଲି, ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଘେନି ଆଣ। କେତେ ବା ଜିନିଷ, ହଁ ଖବରଦାର, ମୂଲିଆ କରିବନି, କଲେ ତମେ ଜାଣ ମୁଁ ପଇସା ଦେବିନି। ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଅଫିସ ଯାଆନ୍ତି ବାବୁ ଗୋପାଳ। ବୁଢ଼ା ମୁହଁ ବୁଝି ବସାରେ କାମ ପାଇଟିରେ ଲାଗିଥାଏ। ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ଏକାଠି ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେବାର କେହି କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। ଡାକ ମୁନ୍ସି ହେଲେ ମଫସଲର ହାକିମ, ଏ ମୂର୍ଖ ବୁଢ଼ାଟା କ'ଣ ଜାଣେ ଯେ ତାକୁ କିଏ କାହିଁ କଥା ହେବ। ଦିନକୁ ଦିନ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ହରି ସିଂ, ବଢ଼ିଗଲା ଖୁଁ ଖୁଁ କାଶ। ରାତିରେ ଏଥିପାଇଁ ଭଲରେ ନିଦ ହେଲାନି ବାବୁ ଗୋପାଳ, ଆଉ ସେ ନିଜର ପିଅନକୁ ହୁକୁମ ଦେଲେ, ବୁଢ଼ାଟାକୁ କି ଆପଣରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଆ। ବାପାଙ୍କୁ ବସାରୁ ତଡ଼ି ହାକିମ ଗୋପାଳର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସାରେ। ପାଖରେ ଥିବା ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣାଯାଇଛି ଗୋପାଳ ବାବୁ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି। ବୁଢ଼ା ଏଣେ ଗାଁକୁ ଆସି ନିଜର ଦି ମାଣ ଚାଷ ଜମି ଭାଗରେ ଲଗେଇଦେଲେ, ବସି ଧାନ ପାଇଲେ, ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କାରେ ଲୁଗା ଆଉ ତେଲ ଲୁଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଉଠେଇଲେ। ଖାସ ହେବାରୁ ବୁଢ଼ା ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଅଫିମ ଧରିଛନ୍ତି। ବାପ ପୁଅ ଦୁହେଁ ଉଛୁଣି ବହୁତ ଖୁସି। ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଆଜି ବି ବେଶ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମନେ ହୁଏ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଡାକ ମୁନ୍ସି ଗଳ୍ପ। ଆଜି ବି ଆମ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ହରି ସିଂ ଆଉ ଗୋପାଳ ଭଳି ଚରିତ୍ର।